हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना प्लान। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ 17.5x37 का, 17.5x37 का। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसका साइज है 17.5x37। तो मैं आपकी 3D डिजाइन दिखाना चाहता हूँ, पूरा कंप्लीटेड बना हुआ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीटेड बना हुआ है 17.5x37 में। अगर आप भी मुझसे कोई प्लान डिजाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उस प्लान डिजाइन कर दूंगा। तो अब मैं इसकी बेसिक पूरी डिटेल देना चाहता हूं, आपको सब कुछ मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात आती है मैन गेट की। ये आपका मैन गेट है, मैन गेट आपको 6 फिट का यहाँ पे मैंने उपलब्ध कराया है। मैन गेट आपका 6 फिट है। गेट से अंदर जाने के बाद आप कुछ इस तरीके से देखेगा, गेट से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा जीने के नीचे। यहाँ पे आप अपनी बाइक आसानी से खड़ी कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे तुरंत सबसे पहले जीना मिल जाएगा पूरा, देख सकते हैं 3 फिट का यहाँ पे जीना मैंने उपलब्ध कराया है, इसका साइज है 3 फिट। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बैठक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, जिसकी खिड़की मैंने रोड से उपलब्ध कराई है इस तरीके से। इस बैठक का साइज मैंने दिया है 10x10.5, 10x10.5, यहाँ से यहाँ तक 10 फिट 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 10 फिट है। इस तरीके से आपकी बैठक है। जीना मैंने यहाँ से उपलब्ध कराया है, ये देख सकते हैं 3 फिट का मैंने जीना उपलब्ध कराया है। उसके बाद आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके बगल में जस्ट, जिसका गेट ये 3 फिट का और खिड़की मैंने यहाँ से उपलब्ध कराई है, इधर से देख सकते हैं। इसका साइज मैंने रूम का दिया है 9 फिट 4 इंच बाई 10 फिट 6 इंच, 9 फिट 4 इंच बाई 10 फिट 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 9 फिट 4 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 10 फिट 6 इंच है, इस तरीके से इसका साइज है रूम का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगी, जिसका साइज मैंने दिया है 4x7, इसका साइज है 4x7, देख सकते हैं इसका साइज दिया मैंने 4x7। उसके बाद आपको एक लास्ट में एक और आपको बेडरूम मिल जाएगा बड़ा सा, इसका साइज मैंने दिया है 12x10, इसका साइज 12x10 दिया है। खिड़की यहाँ से उपलब्ध कराइए, देख सकते हैं, और यहाँ से गेट उपलब्ध कराया 3 फिट का। उसके बाद आपको लास्ट में सामने ही मिल जाएगी तुरंत आपको किचन, ये आपको किचन मिल जाएगी। किचन का मैंने साइज दिया है 6.5x8 फिट, 6.5x8 फिट, इसका साइज दिया है 6.5x8 फिट, 6 फिट 6 इंच बाई 8 फिट, इस तरीके से इसका साइज दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी आपको स्पेस मिल जाएगा, 6.5 फिट का आपका पूरा स्पेस मिल जाएगा खुला, वहां से यहाँ तक पूरा देख सकते हैं आप। उसके बाद अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की, ये तो था ग्राउंड फ्लोर। जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आप कुछ इस तरीके से देखेगा, जीने से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहले आपको एक बेडरूम दिख जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपको बेडरूम दिख जाएगा, ये जिसका मैंने एक खिड़की से, खिड़की के पास में एक बालकनी के लिए मैंने गेट उपलब्ध कराया है, एक मैंने ये खिड़की दी हुई है रोड से, देख सकते हैं इस तरीके से बालकनी में आने के लिए। इस रूम का साइज दिया है 10x10.5 फिट, 10x10.5 फिट। उसके बगल में आपको एक और बेडरूम मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका साइज दिया है 9 फिट 4 इंच बाई 10 फिट 6 इंच, इस तरीके से उसका साइज दिया है। उसके बगल में आपको एक और लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगी, जैसे कि नीचे थी सेम 4x7, 4x7, देख सकते हैं इस रूम की खिड़की यहाँ से उपलब्ध कराई है। उसके बाद आपको लास्ट में एक और आपको बेडरूम मिल जाएगा 10x12 का, 10x12 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खिड़की मैंने इस तरीके से उपलब्ध कराई है और गेट मैंने यहाँ से उपलब्ध कराया आपका। उसके बाद आपको लास्ट में एक आपको किचन मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 फिट 6 इंच बाई 8 फिट, 6 फिट 6 इंच बाई 8 फिट, 6.5x8 की आपको एक किचन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना जार रख सकते हैं 3x2 का, तो ऊपर से आपको डायरेक्ट रोशनी आती रहेगी, पूरा वेंटिलेशन का काम करेगा। अब बात आती है अटिया की लास्ट में, ये आपकी अटिया पूरी कंप्लीटेड बनी हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब कंप्लीटेड बनी हुई है। फ्रंट में मैंने ग्लास का यूज किया, बहुत ही बेहतरीन लुक लग रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका रूम के सामने भी आपका बहुत ही बेहतरीन लुक लग रहा है, देख सकते हैं लेटेस्ट लुक बनाया मैंने।
उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने 3 फिट का छज्जा उपलब्ध कराया है, अगर आप चाहते हैं 2.5 फिट का छज्जा उपलब्ध कराते हैं, आप घर में काफी स्पेस है। अगर आप भी मुझसे इस तरीके से प्लान डिजाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्लान डिजाइन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में धन्यवाद।